ग्रोथ 91 एक स्टार्टअप कंपनी के लिए वरदान, स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर और मैं पिछले कई वर्षों से अकोला में एज ए मनोविकार तंत्र प्रैक्टिस कर रहा हूं और वैसे ही बिजनेस कोच, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्वेस्टर करके आपके सामने हूं। ये जो ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग मार्केट जो है, ये 2025 तक 3.1 ट्रिलियन डॉलर का होगा और हमारे देश में 2022 से लेके 2032 तक, मतलब आने वाले अभी 9 साल में, ये 5 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा अंदाज है स्टार्टअप्स। मगर स्टार्टअप जब लोग चालू करते हैं तो स्टार्टअप चालू करने में, सस्टेन करने में उनको बहुत समस्याएं आती है। वो कौन से हैं? नंबर एक कि उनके पास में जितना चाहिए उतना कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। नंबर दो, फंड रेजिंग उनको यदि करना है तो बहुत खर्चीला होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है फंड रेजिंग करने के लिए। नंबर तीन, फंड रेजिंग करने को टाइम लगता है और वो लोगों को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगती है, इसलिए वहाँ लोग आगे पीछे करते आने के लिए। नंबर चार, फंड कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, यह लोगों को मालूम ही नहीं है, स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनको। नंबर पाँच, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको ये विश्वास नहीं आता है कि ये जो स्टार्टअप है ये उनको अच्छे रिटर्न देगा या नहीं देगा या डुबा देगा। अभी जो पांचों समस्या है, ये पांचों समस्याओं का हल ग्रोथ 91 यह कंपनी ने किया हुआ है। ये सभी समस्याओं को एड्रेस करती है ग्रोथ 91 यह कंपनी। ग्रोथ 91 यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है, दोनों के लिए। क्या इसमें जो स्टार्टअप है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना है, उसके कंपनी का नाम, उसका बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, उसके टीम, उनका एक्सपीरियंस, उनको कितना फंड रेज करना है, अभी क्या कॉस्टिंग है, वो सब इन्फॉर्मेशन डिटेल वो देते हैं जो अपलोड की जाती है प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ 91 के। जो इन्वेस्टर लोग हैं वो रजिस्टर करते हैं अपना नाम विद KYC और वो सर्च करते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्टअप में तो कौन से स्टार्टअप ने रजिस्टर किया हुआ है। और दोनों का मैच यदि होता है, स्टार्टअप और इन्वेस्टर दोनों का मैच यहाँ होता है तो वो आगे की प्रक्रिया शुरुआत होती है और आगे इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना ये रिस्की है, इसलिए हम हरदम बोलते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। हो सकता है कि 10 में से 5-6 स्टार्टअप्स बन हो जाएंगे, एक दो स्टार्टअप सो रहेंगे, एक दो स्टार्टअप अच्छा काम करेंगे और आपकी कसर पूरी निकाल देंगे। मगर वो एक या दो स्टार्टअप 10 में से कौन से है ये मालूम नहीं है, कौन सा स्टार्टअप क्लिक हो जाएगा मालूम नहीं है। रिस्की है मगर वर्थ है, रिस्क आप ले सकते हैं। अकोला में संजय जी साड़ा हमारे मित्र और जिमिश कपड़िया, ये दोनों बहुत ही उभरते व्यक्ति है कि जिन्होंने ये स्टार्टअप चालू किया हुआ है ग्रोथ 91 और इसमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लोगों को एक संधि, एक मौका दिया हुआ है कि वहाँ लोग इन्वेस्ट कर सके। इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरा भी स्टेक है और विथ ड्यू डिलीजेंस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।